वेलकम टू माई चैनल अमृत चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट अमृत और आज मैं आपके लिए आज की पावर पैक टेक न्यूज लाया हूं। कल मैंने आपको टेक न्यूज नहीं दिया था तो सॉरी। सो विदाउट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले न्यूज की बात करूं तो हॉनर का मेट 10 जो कि लॉन्च होने वाला है सितंबर 16 को किरिन के 970 के साथ, उसकी कुछ लीक्स आई है। स्क्रीन पे देखो फोटो, ऐसी कुछ लीक्स है। बताया जा रहा है कि इसमें आपको डुअल कैमरा हो सकता है, उसमें भी आपको बेजलेड डिस्प्ले मिलेगा। तो देखते क्या लाता है हॉनर वाले, क्या धमाल मचा पाते हैं या नहीं। तो आने दो अक्टूबर, तब पता चलेगा कि हॉनर का मेट 10 क्या धमाल मचा सकता है या नहीं। और मैं आपको अगली न्यूज के साथ बताऊं तो वीवो ने अपना आज वीवो का V7 प्लस फोन स्मार्टफोन इंडिया में आज लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइसिंग की गई है 21,900 रुपीज। और उसकी थोड़ी स्पेक्स की बात करूं तो उसमें आपको मिलता है 5.99 इंच का HD डिस्प्ले, इन्फिनिटी मिलता है पर HD डिस्प्ले मिलता है। स्नैपड्रैगन का 450 जो कि सबसे लेटेस्ट है अभी तक इंडिया में, तो स्नैपड्रैगन 450 कोई फोन नहीं आया है। इसमें आपको मिलता है 4GB की रैम, 4GB की इंटरनल स्टोरेज, मेन हाईलाइट 24MP का सेल्फी कैमरा, 16MP का रियर कैमरा, 3255mAh की बैटरी। सिर्फ सेल्फी सेंटर फोन है, वही बकवास सेल्फी के साथ। HD डिस्प्ले 22K, No words. और मैं आपको अगली न्यूज तक बताऊं तो हॉनर ने अपना एक V9 प्ले स्मार्टफोन का लॉन्च किया था चाइना में, जिसकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको घटिया स्पेक्स मिलती है, यानी कि 5.2 इंच की HD स्क्रीन, MediaTek का MT6750 और इसकी कीमत रखी है 11,700 रुपीज। तो ये भी एक बकवास किस्म का फोन है, तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। और हॉनर ने अपना एक और फोन लॉन्च किया, जिसको बोलते हैं हॉनर 6 प्ले। ये था V9 प्ले, ये था 6 प्ले। ये पूरा बजट सेंटर फोन है, इसमें आपको 3000mAh की बैटरी मिल जाती है, इसकी प्राइसिंग है 5900 रुपीज। ये पूरा बजट सेंट्रिक फोन है, स्पेक्स भी इसकी काफी सारी घटिया है, तो नो वर्ड्स या इग्नोर इट। और मैं आपको अगली न्यूज ज्यादा भरूं तो कल लेनोवो ने अपना की 8 प्लस फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया था, इसकी प्राइसिंग रखी गई थी 11,000 रुपीज, यानी कि 10,999 रुपीज। आपको फ्लिपकार्ट से आज मिल सकता है। और इसकी स्पेक्स की बात करूं, इसमें आपको मिलता है 5.2 इंच का फुल HD का IPS LCD का स्क्रीन, जिसमें आपको लगा हुआ है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास और उसके ऊपर लगा हुआ है ऑडियोफोबिक कोटिंग स्मचेस रेजिस्टेंट के लिए। इसमें आपको फुल मेटल बॉडी डिजाइन मिल जाता है अल्मोनियम 5000 सीरीज के साथ। इसमें आपको मिलता है MediaTek का Helio P25 चिपसेट, जो कि क्लॉक रेट 2.459 GHz पे, और ये बेस्ट अच्छी डायनामिक रिफ्रेश पे टेक्नोलॉजी पे। इसमें भी आपको दो कैमरा मिलते हैं, 4000mAh की बैटरी मिल जाती है और 5MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 4 ये फोन उतना पावरफुल नहीं है, उस हिसाब से वैल्यू नहीं खा पाता है। तो अगर आपको 11K में फोन चाहिए तो मैं ये फोन सजेस्ट नहीं करता हूं आपको, आप रेडमी का नोट 4 लेना, इससे काफी बेहतर फोन है वो। तो देखते हैं लेनोवो के 8 प्लस कितना सारे फोन लॉन्च करते हैं। बोर नहीं होता लेनोवो, तू बोर नहीं होता है तू, छोड़ो। और मैं आपको अगली न्यूज का बताऊं तो इंडिया में पहली बार डेब्यू किया है टेनर। मैंने आपको बताया था 10.0 क्या नाम है यार, नाम में रहने में टाइम लग जाता है। उन्होंने इंडिया में अपना फोन लॉन्च कर दिया है, जो कि प्राइसिंग लगी है 8000 रुपीज एंड 9000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। 8000 रुपीज आपको मिलता है 5.5 इंचेस का फुल HD का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 430, 4000mAh की बैटरी, 13.5 का कैमरा और 2GB की रैम, 16GB की इंटरनल स्टोरेज, और 1000 रुपये एक्स्ट्रा आपको लगा के मिल सकता है 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज। फोन एज स्पेक्स वाइज मुझे काफी अच्छा लगा है। सर्विस सेंटर 30 है मात्र, तो सर्विस में बड़ा प्रॉब्लम आने वाली है इस फोन की। तो देखते हैं ये Redmi 4 को कम्पीट कर पाता है या नहीं कर पाता है, लेकिन 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 430 शायद लैक कर सकता है फुल HD के साथ। और Redmi 4 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 435, तो Redmi 4 इज फार बेटर फोन देन दिस आई थिंक शो। और मैं आपको अगली न्यूज का बताऊं तो iPhone 8 और iPhone 8 प्लस प्री ऑर्डर पर जा सकता है 15 सितंबर को, यानी कि लॉन्च होगा 12 सितंबर को वो और प्री ऑर्डर पर जाएगा 15 सितंबर को। तो और एक और लीक आ रहा था कि आईफोन 8 का एक 256GB वेरिएंट भी लीक हुआ है, जिसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट होती है 70,000 के आसपास, यानी कि आईफोन 8 की प्राइस स्टार्ट होगी US में $900 से और जाएगी 1100 ऑलमोस्ट डॉलर तक। तो देखते क्या धमाल मचाता है आईफोन इस बार और क्या धमाल मचा पाता है या नहीं।
और मैं आपको अगली न्यूज तक बताऊँ तो MI ने कल अपना कुछ दो एक्सेसरीज लॉन्च किया। इसको बोलते हैं MI का कार चार्जर और MI का एक 2-in-1 USB केबल, जिसकी प्राइसिंग की गई है 799 और 299 रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको USB टाइप सी और USB माइक्रो USB वाली कुछ केबल भी मिल जाती है। तो अगर आपको कुछ चाहिए ऐसा केबल तो आप mi.com पे ले सकते हो, ये mi.com पे एक्सक्लूसिवली मिलेगा। और मैं आपको अगली न्यूज़ तक बढ़ूँ तो HTC ने पार्टनर किया हंगामा और हंगामा पहले के साथ। यानी जैसा कि आप जानते हो कि MI ने भी पार्टनरशिप किया था। यानी अगर आप HTC के कोई भी स्मार्टफोन्स लेते हो तो आपको हंगामा ऐप उसकी इंस्टॉल मिलेगा, जो कि फ्री भी होगा एक साल के लिए। MI वाला अगर MI के फ़ोन में भी आप हंगामा ऐप लेते हो, अगर उसे साइन इन करते हो तो आपको एक साल की फ्री मिलेगी। यानी एक साल तक आप म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो और उसको प्ले भी कर सकते हो। तो अब HTC के जो अपकमिंग फोन होंगे इंडिया में, इसमें आपको हंगामा म्यूजिक और हंगामा प्ले का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो जिनको अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हैं, वरना कोई गल नहीं है। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बढ़ूँ तो एंड्रॉयड का जो ऑडियो ने कोई अपडेट किया था, किसी लोग ने उनको काफ़ी सारे इशू आ रहे हैं। यानी कि अगर आप वाईफाई ऑन नहीं कर देती हो पासवर्ड डाल के, तब भी उनका मोबाइल डेटा ऑन ही रह जा रहा है। तो काफ़ी सारे बग्स है एंड्रॉयड के ऑडियो में, तो देखते गूगल कब अपडेट ला के फिक्स करता है और ये कब ठीक होता है या नहीं। तो देखते ही कब ठीक होता है नहीं। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बढ़ूँ तो पैनासोनिक ने अपना कल एक P9 करके स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो कि बहुत ही घटिया वायर थर्ड क्लास फोन है, तो जस्ट इग्नोर इट। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बढ़ूँ तो ऐसा रिपोर्ट बताया जा रहा था कि गूगल पिक्सल और पिक्सल एक्सेल में स्नैपड्रैगन 835 ही होगा, लेकिन काफ़ी सारे लिस्ट आ रहे थे कि उसमें आपको स्नैपड्रैगन 836 मिल सकता है, पर कंफर्मेशन शायद आ जाएगा कि वो स्नैपड्रैगन 835 के साथ ही आएगा। 836 क्वालकॉम ने अब तक अनफील्ड नहीं किया है, इसीलिए वो 835 ही आने वाला है। तो देखते गूगल पिक्सल क्या धमाल मचा पता है या पिछली बार जैसा फ्लॉप ही रहता है और कथा नहीं। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बढ़ूँ तो OnePlus 3 और 3T के डेवलपर वर्जन में एंड्रॉयड ऑडियो का अपडेट आ गया है और स्टेबल में एक दो महीने में आ जाएगा। तो डेवलपर में जो एंड्रॉयड ऑडियो आया उसमें काफ़ी सारे बग्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ही बग्स आ रही है। तो अगर आप बीटा टेस्टर हो तो आप OnePlus 3T के तो इंस्टॉल मत करना, काफ़ी सारे बग्स हैं एंड्रॉयड ऑडियो के अपडेट में, स्टेबल आने दो तब आप मजा उठा सकते हो। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बढ़ूँ तो मोटरोला का एक मोटो एक्स TL992 करके स्मार्टफोन 13 सर्टिफिकेशन पकड़ा गया है, जिसमें आपको 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज और 8x8 का कैमरा और कुछ एक बजट सेंट्रिक फोन है। यानी कि एक बहुत ही बजट सेंट्रिक फोन है, उसका कुछ लीक्स आया है, 13 सर्टिफिकेशन पकड़ा गया मोटोरोला का। और मैं आपको अगली न्यूज़ बोलूँ तो ब्लैकबेरी के जो फोन सब हैं उनमें आपको सितंबर के अगस्त का सिक्योरिटी पैच मिलना स्टार्ट हो गया है। यानी कि जो जो ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन्स हैं उनमें आपको सिक्योरिटी पैच सितंबर का मिलना स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है, नोकिया 5 को तो कब ना मिल गया, ब्लैकबेरी अभी दे रहा है। और मैं आपको अगली न्यूज़ बोलूँ तो ट्रूकॉलर पे एक नया अपडेट है। यानी कि अगर आपका कोई नंबर है बाई चांस आप उसको अपने फ़ोन से स्कैन कर सके, यानी कि स्कैन करके भी आप उसको सर्च कर सकते हो। तो ये काफ़ी यूनिक फीचर है ट्रू कॉलर का, कि आप इस नंबर आप कॉपी में लिख लीजिए, उसको अपने कैमरा से स्कैन करो और आपका नंबर सर्च हो जाएगा। और इसमें आपको UPI पेमेंट्स का भी फीचर आ गया, यानी कि अगर आप कहीं UPI पेमेंट एक्सेप्टेड है तो आप कोड को स्कैन भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बात है ट्रू कॉलर पे कि काफ़ी सारे फंक्शंस आ रहे हैं और काफ़ी धमाल मचा रहा है। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बढ़ूँ तो सैमसंग का गैलेक्सी नोट 8 इंडिया में सेप्टेम्बर 12 को लॉन्च होगा, जो कि न्यू दिल्ली में इवेंट होगा। तो देखते हैं प्राइसिंग क्या होती है, इग्नोस वेरिएंट आने वाला है, अब देखते हैं प्राइसिंग क्या लाते हैं यार, क्या तुम्हें मुझे पता है नोट 8 है या नहीं। 12 सेप्टेम्बर नोट 8 कमिंग आईफोन के दिन। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बढ़ूँ तो रेडमी का जो 5A है, रेडमी का 5A स्पॉट किया गया 13 सर्टिफिकेशन में, जिसमें आपको 3GB की रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज और स्नैपड्रैगन 425, यानी कि एज कम्पेयर टू रेडमी 4A, यानी कि सेम स्पेक से रेडमी 4A जैसा। तो देखते हैं हमारे क्या रहता नहीं रहता और क्या धमाल मचा पता है या नहीं। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बढ़ूँ तो ASUS ने अपना एक ROG G701 एक लैपटॉप लॉन्च किया, जिसको बोलते हैं 17.3 इंच डिस्प्ले के साथ। इसकी स्पेक्स दी गई है, इसमें आपको 17.3 इंच की 4K डिस्प्ले मिलती है, जो कि अल्ट्रा HD बोलते हैं इसको। इसमें आपको NVIDIA का GeForce GX 1080 ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाता है। इसमें आपको i7 का 7th generation 64GB की DDR4 वाली रैम मिलती है, बाप रे बाप। और इसकी प्राइसिंग आप सुनोगे तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा, इसका प्राइसिंग स्टार्ट होती है 3,49,990 रुपीज। भाई 3.5 लाख रख देते थे यार, दाम ही सुन के थोड़ा माथा चकरा गया। तो अगर आपको गेमिंग पसंद है तो
वरना जस्ट इग्नोर इट। दोस्तों ये टेक न्यूज़ के बाद और टेक न्यूज़ है मैंने आपको बता दिया, और जैसे हम लोग वीडियो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ, मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो उससे किसी ने डिलीट कर दिया वीडियो, तो मुझे फिर से शूट करना पड़ेगा और फिर से एडिट करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग का रिव्यू थोड़ा डिले हो सकता है एक दो दिन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, इफ यू डिडंट वोट इट डॉट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फॉलोअर्स विद योर फ्रेंड्स। और गाइस कमेंट भी कर दो, बोलना पड़े तो ना कमेंट करो, कुछ सुझाव दो, कुछ गलती होता है तो माफ करो। सॉरी फॉर द कल की टेक न्यूज़ के लिए सॉरी, और आपको टेक न्यूज़ मिल जाएगी कल। मैं थोड़ा सॉरी यार प्रॉब्लम हो गया था। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।